एबीपीएस न्यूज टीम का आगे बढ़ते हुए पड़ाव पड़ा ब्लॉक भगतपुर टांडा का ग्राम मुड़िया। लगभग 6500 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर तो वहीं ब्लॉक से इस ग्राम पंचायत की दूरी 20 किलोमीटर है। वर्तमान समय में प्रधान रुखसाना बेगम ने इस गांव की कमान संभाल रखी है। इस गांव में राशन कोटेदार, रोजगार सेवक व सफाई कर्मी भी पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दिए। साथ ही बात शिक्षा की करें तो जूनियर व प्राथमिक हाई स्कूलों में लगभग 150 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते नजर आए। वहीं विभिन्न तरीके के लाभों जैसे कि विधवा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना और विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थी लाभ लेते दिखाई दिए। ग्राम प्रधान ने बताया कि उन्होंने गांव में सीसी रोड, खड़ंजों, सड़कों व बिजली के पोलों को भी लगवाया है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा सोलर लाइटें भी सड़कों के पथ प्रकाशन के लिए लगाई गई हैं। साथ ही लगभग 60 हैंडपंप प्रधान द्वारा गांव में लगवाए गए हैं। प्रधान पति ने कैमरे से बात करते हुए बताया कि गांव में अभी भी पानी की निकासी के लिए नाला, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, हैंडपंप व पात्र लोगों को आवास अभी भी मुहैया नहीं हो पाए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द फंड दुरुस्त कराएं जिससे इन सभी कमियों को गांव से दूर किया जा सके। मैं ग्राम प्रधान पति ग्राम मुंडिया, हमें जो मतलब पैसा ग्राम निधि का प्राप्त हुआ वो हमने सड़कों में खर्च कर दिया, सीसी टेल्स, नाली खरंजे और स्कूल में काम चल रहा है। पैसा नहीं मिल पाने के कारण कुछ काम बाकी रह गए, इसके लिए मतलब पैसे की ज़रूरत है काम कराने के लिए। गांव दो गांव लगते हैं, एक मजरा गांव लगता है इसमें, उसमें जाने के लिए बहुत परेशानी रहती है, उसके लिए भी मतलब नाले की ज़रूरत है, एक पुल की ज़रूरत है नाले के लिए। शौचालय बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं अब तक। प्रधानमंत्री आवास 41 आवास अब तक बन चुके हैं और बाकी लोगों के लिए अभी पैसे की ज़रूरत है आवास बनने के लिए। साहब इतना पैसा तो आ नहीं रहा गांव में, प्रधान जी जितने अपने पास से काम करा देते उसके बावजूद शहरों के लिए तो तमाम काम है, देहात के लिए कोई काम नहीं। कोई बता दे हिंदू मुस्लिम का पक्ष है, कोई खुश है, कोई खुश है, छोटे छोटे गांवों की कोई देखभाल नहीं है। तो कीचड़ में पड़े हैं तो पड़े ही हैं, जो चीज़ भी है कोई सबूत है कि अब इतना आ रहा वो तो बहुत कर रहे हैं कुछ प्रधान जी, मुझे पैसा ही नहीं आ रहा, तो करें क्या।